Namaste students. This is question number 5 of exercise 6.2, chapter 6, line and angles. In figure 6.32, if AB parallel CD, AB जो है line, AB line जो है बेटा वो CD के parallel है. और angle APQ हमें given है 50 degree. APQ का है हमारे पास APQ. ये angle हमें given है 50 degree. And PRD equal to 127 degree. और PRD हमें given है 127 degree. Find x and y. हमें क्या करना है? x और y की value find करनी है. Okay? बेटा आप देखो, इस question के अंदर हमें क्या दिख रहा है? कि given है हमें, given क्या है? AB जो है वो CD के parallel है. बेटा देखो, AB CD के parallel है. ये दोनों lines क्या है? Parallel. तो आप मुझे ये बताओ, ये क्या कह रहा है? ये transversal. Transversal कह रहा है कि तो ये देखो, ये Z की formation हो रही है. तो Z की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, तो इसका नाम क्या है हमारे पास? एंगल APQ. और इस एंगल का नाम क्या है हमारे पास? PQR. ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. रीजन क्या होगा इसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. देखो APQ कितना है हमारे पास? 50. तो इसकी वैल्यू हमारे पास 50 है. तो एंगल PQR, PQR का नाम क्या है हमारे पास? PQR का नाम x है. तो x की वैल्यू रख दो, आप PQR की जगह x रख दो, तो x की वैल्यू ऑप्टेन होगी हमें 50. ओके बेटा, x की वैल्यू कितनी ऑप्टेन होगी हमें? 50. अब बेटा देखो, अगेन AB पैरेलल CD, AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल है. ओके, तो ABCD के पैरेलल है. तो देखो, इधर भी आपके Z की फॉर्मेशन हो रही है बेटा, हो रही है Z की फॉर्मेशन. तो ये पूरा एंगल जो है, इन दोनों का एडिशन इस 127 के इक्वल होगा. तो ये दोनों एंगल कौन कौन से? एक तो है 50 और दूसरा कितना है हमारे पास? Y. इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? PRD के. तो PRD कितना है? 127 डिग्री. ओके, हमें Y की वैल्यू निकालनी है. तो 50 को ट्रांसफर कर दो, 127 डिग्री माइनस 50, तो कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 77 डिग्री. हमें क्या करना था? x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी. तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली. बेटा ये देखो, इसमें एक प्रॉपर्टी और लग सकती है. अगर आपको y फाइंड करना है, तो एक ट्रायंगल जो होता है, एक ट्रायंगल है, अगर उसकी एक साइड को अपन एक्सटीरियर बाहर की ओर बढ़ा दें, एक्सटेंड कर देते हैं, तो बाहर एंगल जो बनता है वो कौन सा होता है? एक्सटीरियर एंगल. ओके, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है. ओके, ये कौन सी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो इसमें भी देखो, अगर आप इससे निकालते, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता? 127 के. x की वैल्यू अगर आपके पास थी, कितनी थी? 50 और इक्वल टू 127. तो y की वैल्यू यहां से निकालते, तब भी कितनी आती? 127 माइनस 50. तो यहां से भी 77 डिग्री आती. ओके, तो y इक्वल टू 77 डिग्री. तो बेटा आप ये एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते थे और ये अल्टरनेट से भी निकाल सकते थे. मैंने अल्टरनेट से किया है. ओके, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो. ओके ऑल ऑफ यू.